अरे अंकल, आज आप हॉस्पिटल से इतने जल्दी क्यों आ गए? बेटा, एक जरूरी काम याद आ गया था। अब मैं इससे कैसे कहूं कि मैं खुशी को हर्ट करना चाह रहा था? अरे वृंदा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, लो ना थोड़ा ज्यादा। अरे भाभी, आप क्या कर रहे हैं? पहले से इतना सारा है। अब कुछ ही दिनों की बात है ना, कुछ दिनों के बाद तो सुमित तुम्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा हमेशा के लिए। फिर मुझे कहाँ मौका मिलेगा मेरी ननंद को लाड लड़ाने का। अब तो तुम कुछ ही दिनों की मेहमान हो ना हमारे यहाँ। वो अच्छा, मैं जरा चलता हूँ, मुझे एक बैंक में एक जरूरी काम है, वहीं से फिर दीवान से मिलने में चला जाऊंगा। ये डायरी यहीं छोड़कर जाता हूं। अगर दीवान को कुछ और जानना होगा तो उसे ये डायरी ही दे दूंगा पढ़ने के लिए। खुशी के बारे में शुरुआत से लेकर अब तक की एक एक बात लिखी है मैंने इसमें। खुशी बेटे, तुम यहां क्या कर रही हो? अंकल, हो गया आपका जैकेट। अंकल, मानना पड़ेगा खुशी आपके साथ बहुत ही ज्यादा अटैच हो गई है। मुझे लगता है आप खुशी के फेवरेट अंकल बन गए, अंकल नंबर वन। वो हॉस्पिटल में आपने बहुत ज्यादा वक्त बिताया था ना खुशी के साथ, इसलिए हर वक्त आपके पीछे ही लगी रहती है। मुझे तो लगता है इनफैक्ट कि आपको खुशी को अपने साथ ओमकारेश्वर ही ले जाना चाहिए, है ना? क्या हुआ अंकल, आपके चेहरे का रंग तो बिल्कुल उड़ा उड़ा सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे खुशी ने आपको कोई बहुत बड़ी चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। वैसे भी खुशी बिल्कुल है ही वैसी। पता है, जब भी मैं खुशी को देखती हूँ ना, मुझे अपनी स्कूल की वो बहुत ही स्ट्रिक्ट वाली टीचर याद आती है जो मुझे बहुत ही डांटती थी। खुशी बिल्कुल वैसी है, हर वक्त मुझ पे नजर रखती है, हर वक्त सवाल करती रहती है, कहाँ जा रही हो तुम, क्या कर रही हो, मना किया था ना ऐसे मत करना। पर डोंट वरी खुशी, आपको पनिश नहीं करेगी। मैं वो आपका जैकेट रख देती। अरे, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है।